ઉત્તરાખંડના જોશીમઠ પર સંકટ કેટલું મોટું છે તેની સાબિતી માટે આ દ્રશ્ય પૂરતા છે. બે હોટેલ એકબીજા સાથે જોડાઈ ગઈ છે. પહેલા તે બંને વચ્ચે ઘણું અંતર હતું. હવે આ હોટેલને ખાલી કરી દેવામાં આવી છે. હોટેલમાં ઘણી મોટી મોટી તિરાડો પડી ગઈ છે. સુરક્ષાના કારણોસર હવે હોટેલમાં બુકિંગ પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ये जोशीमठ की तस्वीर है. पहले इन दोनों होटल्स के बीच में काफी दूरी थी और ये दूरी कम से कम आप ये मान सकते हैं कि जितना पीछे दिख रहा है 2 फीट के आसपास की दूरी थी, लेकिन अब ये दूरी कम हो गई है और अब यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ये होटल ऊपर आ गए हैं और इनकी दीवारें एक दूसरे से काफी सट गई हैं. इसकी वजह है दरार पड़ जाना, जिसकी वजह से इन होटल्स को खाली कराया गया है. और क्योंकि ये बीच का एक रास्ता था, अब दीवार ऐसे पूरी लुढ़क गई है, झुक गई है, इसलिए ये रास्ता भी थोड़ा खतरनाक हो गया है. यहाँ दरारें पड़ी हुई हैं लगातार सड़कों पर. होटल का जो मुख्य द्वार है, अब एहतियातन इन होटल्स को खाली करा लिया गया है. तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए नीचे से कितना गैप है. ऊपर जब आप पहुंचेंगे तो पूरा एक दूसरे के ऊपर ये होटल आ चुके हैं और दोनों होटल्स को अब खाली करा लिया गया है. आप सोचिए कितनी बड़ी चुनौती जोशीमठ के सामने इस वक्त है. घर हो, होटल हो, जो यहाँ की दुकान है वो हो, या दूसरे अन्य चीजें हो, हर जगह दरारें दिख रही हैं. लोगों के मन में डर दिख रहा है, जोशीमठ कैसे बचेगा, यह बड़ा सवाल यहाँ से लगातार खड़ा हो रहा है. इन होटल्स को खाली कराया गया है और अब आपको दूसरी तस्वीर मैं इधर की दिखाता हूँ. अब ये होटल वाले अपना सामान यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, सामान पैक कर रहे हैं, यानी पलायन भी यहां से लगातार जारी है जोशीमठ में. पिछले 3 महीनों से समस्या कुछ ज्यादा बढ़ गई है. तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियों में सामान को लोड किया जा रहा है, होटल खाली किए जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ यात्री तो रुक नहीं पाएंगे, तो ये लोग किसी भी तरह से यहाँ कोई जो संकट है वो नहीं उठाना चाहते हैं. आप इस होटल से हैं? आप लोग इस होटल से हैं? क्या नाम है आपका? मधुर सिंहवाल. मधुर जी, ये होटल कब ऐसे एक दूसरे के ऊपर झुक गए? ये होटल तो अभी रिसेंटली जो है 3-4 दिन पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी जमीन पे, उस वजह से जो है ये दोनों आपस में. कैसी आवाज़ आई थी मधुर जी? जमीन खिसकने की आवाज़. अच्छा. ऐसा लग रहा था कि पूरी जमीन खिसक गई है, सारे लोग जो है बाहर आ गए थे. और उसी दिन जो है ये दोनों आपस में मिल गए. अब होटल खाली कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, होटल खाली कर रहे हैं. ये सारा सामान पैक कर रहे हैं? जी जी, सारा सामान पैक कर रहे हैं. कुछ अपने जानने वालों के, अपने रिश्तेदारों के यहाँ सामान रख रहे हैं. सरकार कुछ आप लोग की मदद कर रही है या नहीं? नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं. काफ़ी नुकसान हुआ तो? बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, बुकिंग्स का नुकसान हो चुका है. मतलब 27-28 तारीख तक तो हमारा होटल जो है फुल बुकिंग्स थी. इनफैक्ट 15 जनवरी तक पूरी बुकिंग्स थी. कुछ सारी बुकिंग्स जो है हमने कैंसिल करवाई हैं, कुछ इधर उधर शिफ्ट करी हैं, एडवांसेस ले रखे थे. क्यों हो रहा है ऐसा यहाँ जोशीमठ में? मैं देख रहा हूँ घर हो, होटल हो, हर जगह दरार. ये तो ऐसा है कि जब से यहाँ पे NTPC की परियोजना शुरू हुई है, उसके बाद से कंटिन्यूस जो है धसाउस जो है जोशीमठ का चल रहा था. लेकिन जो है पिछले 10-15 दिनों से ये जो है इसने गति बहुत तेज पकड़ी है. इसने जो है नीचे दरकने की. NTPC का टनल आप जिम्मेदार मान रहे हैं? अगर आप नीचे मारवाड़ी में जाएं तो आप देखेंगे जगह जगह से जो है पानी जो है दीवारों से निकल रहा है, लोगों की घरों की दीवारों से पानी निकल रहा है. अब ये पानी कहाँ से आ रहा है ये तो अब सरकार देखे कि कहाँ से पानी है बेटा. बहुत पानी जो है दीवार, अगर आप तो वहाँ पानी मारवाड़ी में भी ठीक, इसके नीचे मारवाड़ी इस होटल मलारिन और ये बस्ती जो है इसके ठीक नीचे विष्णु प्रयाग की कॉलोनी है. उन कॉलोनियों के बगल से इतना मोटा पानी जो NTPC का है वो जा रहा है. NTPC की जो मशीन, कटर मशीन जो अंदर काटती थी, टनल बोरिंग मशीन, वो सन 2011-12 या 10-11 में एक्यूरेट बोरिंग देखिए ना, वो वहाँ फंस गई थी. तो उस मशीन को निकालने के लिए ये रात रात को ब्लास्टिंग कर रहे हैं. 1:30 से 2 बजे के रात के बीच में ही गड़गड़ाहट के आ रही है, गड़गड़ गड़गड़ और बैठ रहा है, टूट रहा है, फट रहा है, इस तरह की स्थिति है. हम ही नहीं हैं, यहाँ पर बगल में हमारे मलारिन होटल है, उनका होटल मेरे होटल के ऊपर आ गया है, टेढ़ा हो गया है. कल तक की रिपोर्ट के अनुसार 700 मकान टूटे हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट आपके पास होगी. 700 मकान अब तक टूट चुके हैं, होटल एक दूसरे के ऊपर झुक चुके हैं, होटल खाली किए जा रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं. जोशीमठ पर अब तक का यह सबसे बड़ा संकट है.
कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड।